चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। कंडे तो लगवा दिए गए, कंडे तो लगवा दिए। मतलब तीसरा महीना लग गया 2014 का, इसमें पैसा ही नहीं मिला। पिछले जो 2013 था दिसंबर का महीना, उसका कंडे डाल लगे थे हम मिल में, यहाँ अब इब तक पेमेंट नहीं मिला। राजचंद भाई, लेकिन यहाँ तो आपकी किसान यूनियन बड़ी मजबूत होती थी पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती की, तो इस बार क्यों नहीं कुछ कर पाए? बस वो नू नहीं कर पाए, ये जाट जो थे ना ये जुड़ के चले थे हम लोगों से भी। ये दंगा हुआ ना पिछले मतलब चमस्से में हिंदू मुस्लिम वाला, उस वजह से उनका संगठन मजबूत नहीं रहा। तो हमें अगर दाब दे सकते वो दाब उनकी खत्म हो गई, हम सब लोग मिलकर दाब गिरे थे सरकारों पर। दंगे की वजह से बहुत प्रभाव पड़ा, बहुत ज़्यादा। और ये सब सरकार नेताओं का क्या देना काम है कौन नेता करवा रहे हैं? यही है जो पार्टी है यहाँ, ये भाजपा वाले सपा वालों के हैं, सपा वाले भाजपा वालों की सिर थोड़े ठीक रहे अपने एक दूसरे के ऊपर लगा हुए। मैं पहले भारतीय किसान यूनियन में रहा हूँ करीब 25-26 साल। इस झगड़े की भारतीय किसान यूनियन ने अच्छा रोल अदा नहीं किया, बल्कि झगड़े में जो है वे लोग भी संगीत पाए गए। आज तक कोई बात नहीं थी, बड़ी मित्रता थी। लोकदल में मुसलमान था, बाकियों में मुसलमान था, और कौम इतनी ज़्यादा नहीं थी जितना मुसलमान था। लेकिन इनको जो ये एकदम से इतनी बड़ी सजा दी है जो सहने काबिल नहीं है, बहुत बड़े घाव हैं। आपको क्या लगता है कि ये दरार भरने में कितने साल लगने वाले हैं और क्या ये आसान से भरे जाएंगे? इस दरार में जो है जी, देखो अंदर से तो दोनों चाह रहे एक दरार खत्म हो जाए, ऐसी बात नहीं, हम अपनी चाह रहे वे भी चाह रहे, लेकिन इन लोगों ने दरार इतनी खाई चौड़ी कर दी कि इसमें जो है अभी मेरे ख्याल में अगले इलेक्शन तक ये दरार फट पाओ, 4-5 साल का टाइम इसमें लग जाए। महलों का, हवेली का, झोपड़ी का मुकद्दर फूट जाएगा, जो ये रिश्ता हिंदू मुस्लिम का टूट जाएगा। इस रिश्ते को हमेशा रखना कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। हिंदू मुसलमान किसान जो यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमेशा एक साथ खड़े हुए थे, कुछ सालों के लिए बीच में उसमें एक खाई नजर आ रही है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। वो खाई तो हमने पाट दी जी, बिल्कुल बिल्कुल पहले जैसे ही हो गए। आज तुम दिख रहे जैसे पहले थे वैसे ही हो गए। भाजपा की चाल समझ गए सब लोग, इनकी तोड़फोड़ की राजनीति से सत्ता में आए हैं। इन्हें हमारा दर्द बिल्कुल नहीं महसूस हो रहा, इन्होंने जो 14 में वादे करे थे एक पूरा नहीं हुआ, और हुआ हो तो हमें कहीं बता दे लिखित में, हमने यो पूरा कर दिया, एक पूरा नहीं हुआ अब तक, और ना ये पूरे करें।
हमें इन पे 1% विश्वास नहीं। ये फूट डालो राजकोट इस तरह से इसीलिए उनकी नीतियों में तय है और ये नहीं होगा। अब किसान कोई जात नहीं, क्लास बना है, किसान है वो दिल्ली लेगा, उनको समाप्त करेगा लड़ाई आगे। सरकार चाह रही थी मुजफ्फरनगर दंगा करा दिया 2019 में दोबारा फिर हम लोग सत्ता में आएंगे, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं दिख रहा। आप लोगों की संख्या को देखकर, किसान एकता को देखकर ऐसा नहीं दिख रहा। पूंजीपतियों के लिए ये सरकार काम कर रही है, किसान नेताओं को अपने साथ रखकर किसान का शोषण करके काम कर रही है। 2016 के बाद हम लोगों ने दंगा समझौता समिति बनाई। शुरुआत में बहुत मुश्किल थी, गालियां मिलती थी, वे लोग कहते थे उस समय कहाँ थे आप 2013 में, अब 2016 में आए हो। लेकिन धीरे धीरे उनका विश्वास जमता रहा और हम लोग इसमें कामयाब हुए। सबसे पहले तो हम लोगों के दिल मिलाने में कामयाब हुए। निश्चित रूप से जिसको फ़ायदा हुआ है, जो आज सत्ता में है, षड्यंत्र भी वही लोग करेंगे। क्योंकि मैं 7 तारीख की पंचायत पर जाऊंगा, 7 तारीख की पंचायत पर उन्हीं लोगों का कब्जा था जो आज सत्ता में है। जिन लोगों ने दंगा फैलाने का काम किया उनको निश्चित रूप से सजा होनी चाहिए। उनके लिए सरकार ने प्रयास किया, पर के प्रयास विफल रहा उनका। 131 मामले वापसी की बात हुई, जिसमें ज़्यादातर उन्हीं लोगों के मामले थे जो आज सत्ता में हैं। हम तो ये चाहते थे कि सबसे पहले क्रिया करने वाले लोगों को सजा होनी चाहिए थी। ये तो प्रतिक्रिया करने वाले लोग हैं। अब क्या गांव में लोगों को अफसोस है कि ये जो हुआ है? जो सही आदमी जी, बढ़िया आदमी, विश्व का तो कुछ गिनती नहीं जी। मैं तो महसूस कर रहे भाई चले गए हमारे दौरे से, गलत हुआ बहुत। हम एक दूसरे के दुख दर्द में काम आम थे और सभी तो गांव बसे, सभी तो गांव चले जी, भी गांव में रौनक रहे। हम तो भी उम्मीद करें जी मगर आ जा बेचारे बढ़िया आकर अपने रह लगे, वही अमन चैन हो जा। इन भाइयों को जाने तो बहुत, मैं तो परेशान हूँ बहुत ज़्यादा और रहूँगा, ये भी बात नहीं है। ये नहीं कि मेरा इनका कुछ लेन देन भी था, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ये तो प्यार मोहब्बत की बात थी। अब तो देखो जितनी दूरी चलेगी वो बात अलग है, लेकिन आत्मा ये जो है वो बहुत दुख माने। आपके गांव में भी मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने उस वक्त 2014 में बीजेपी को वोट दिया था दंगे के बाद, लेकिन क्या उसमें आप कुछ बदलाव देख रहे हैं? अब आप देख लो इसका नतीजा, परिणाम देख लो। हमने एमपी को बनाया इनको और को, हाँ बिल्कुल वही तो परिणाम है। और पिछले इलेक्शन में मैंने बीजेपी को वोट दी थी, लेकिन अब के मैंने पूरे परिवार की अपनी वोट जो है लोकदल को दिलवाई। तो हमें ये नहीं देख रहे थे हम कि ये मोमडन है या कौन है, हमें तो ये लोकदल चमक रहा था। दंगा कभी भी जब दंगा होगा तो कहीं ना कहीं उसका असर हमारे समाज पर पड़ेगा, और यही बात चौहान साहब हमेशा समझाते रहे सबको। तो आज कहीं ना कहीं ये खाई बिल्कुल भर गई है, जाट मुसलमान हिंदू मुसलमान बिल्कुल साथ आकर कैराना में पोल कर रहा है। और यही 2019 में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में हर सीट पर 80 की 80 सीट जीतने का काम गठबंधन करने जा रहा है। ठीक है।